बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें राम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें शुक्रिया आज हम बात करेंगे अल्लाह तबारक वाल केसना में से, सेवेंटी वन यानी इकहत्तरवा नंबर और वह अलमोख्ता अलमुख्तादिरु का माना इकतदार वाला खूब कुत वाला तो जाहिर है कि अल्लाह तबारक वाल का वसफ़ है कि सारे इकतदारों का मालिक खुद अल्लाह तबारक वाल की ज़ात है और ये कुरान करीम में ये लफ्ज़ चार मरतबा मख्त मकाम पर अल्लाह तबारक ने दोहराया है और अलमुतदिर को जो अद कबीर है वो सात सौ चवालीस सेवन फोटी फोर सात सौ चवालीस है और अदद मुफरद इसका छः है सिक्स बड़ा अजीब वरीब नाम है कुत बहुत है इस नाम में क्योंकि ज़ाहिर के इकतदार की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है दुनिया में भी जो बादशाह वक्त होता है वो सबसे बड़ा कवि होता है पूरे गोया कि अपने मुल्क और सल्तनत में तो अल्लाह तबारक वाली तो इकतदार आला का मालिक है तो इसे इस नाम में बड़ी तासीर सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि अगर इंसान चाहता है कि मेरे काम आसानी से हो जाया करें कोई रुकावट और मौने पैदा ना हो को आवारजात ना आया करें तो उसका तरीका ही जब सो के उठे तो उठते ही बीस मरतबा कम से कम इसका विद्ध कर लें या मोख्ता दी रू या मुख्तिर ट्वेंटी टाइम चाहे तो ज़्यादा कर ले एक सौ एक दफ़ा कर ले लेकिन बीस मरतबा कम से कम रुक करके फिर ये अपना वजू नमाज में लग जाया करे तो ये उठते ही इसका इतनी दफ़ा करना इसके किसी भी काम में कोई रुकावट और कोई आरिज नहीं आने देगा यह इसके अंदर ज़बरदस्त तासीर और दूसरी तसीर इसके अंदर ये है कि इंसान में इसतकामत नहीं है इस्त नहीं है बल्कि तबियत में गफलत है वो काम पूरा होता नहीं है बीच में छोड़ देता है शौक व से शुरू करता है फिर वो काम रह जाता है तो इस्तकामत पैदा करने के लिए इसमें बड़ी तासीर है उसके लिए है कि इंसान अपने नाम की आदत निकाल ले अपने नाम की आदत पता नहीं तो इसका जो अदर है सेवन फोटी फोर तो गोया कि सात सौ चवालीस मरतबा इसका वद करे विरध करके बदन पे दम करे अबला ग्यारह मरतबो दुरूद इब्राहिमी और आधा कप पानी दम करके पानी पी लिया करे और अल्लाह से इस्तकामत की और जो है वो तयुष की दुआ कर लिया करे फोटी वन डेज पाबंदी से करे इन अल्लाह की रामत से जो है इसके अंदर इस्तकाम और जो वो एक ख़ास किस्म का तयुस पैदा हो जाएगा और उमूर में जो इसके अंदर गफलत है तक ख़त्म हो जाएगा ये इसमें ख़ूबी और ये खूब यह है कि अगर घर से निकला किसी काम के लिए किसी मुहम के लिए कोई मुकदमा है या जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए वो चाहता है कि अल्लाह तबारक व की खास रहमत इला शामिल हाल रहे और वहाँ पर काम मेरा आसानी से हो जाए या किसी हाकिम से मिलने जा रहा है तो उसके सामने मुआज़ जो महबूब रहे उसके लिए कि या तो इसके जो आदत हैं सात सौ चवालीस या अपने नाम की आदत निकाल के अपने नाम के आदत को तीन के साथ मल्टीप्लाई करें करके जो उसका विरद करें अला की आरमतरशी करके दम करे और दुआ कर ले कि यार फल काम के लिए जा रहा हूँ और उस काम में मुझे भरपुर कामयाबी दे और सारे रास्ते में इसका वेद करता जाए या मुख्त धिरू या मुख्तर या इन श्ला वहाँ जब पहुँचेगा वहाँ इज्जत भी मिलेगी और आपका काम भी हो जाएगा बहुत आला। बहुत यह इसका फ़ायदा और एक फ़ायदा यह है कि कोई ालिम है कोई मुझी दुश्मन है सतताता है परेशान करता है और किसी तरह बाज़ आने को तैयार नहीं है और हालांकि बाजार कोई ऐसी माक़ूल रीज़न नहीं है कि वो दुश्मनी करे ऐसे जालिम से छुटकारे के लिए इसमें बड़ी तासीर है कि इंसान जो अगर दो रकात नमाज हाजत पढ़ सके तो बहुत अच्छा है अगर नहीं पढ़ सकता मतलब ख़वातीन है नमाज के दिन नहीं है तो उसका तरीका है कि वजू करके सजदे में चले जाएँ सजदे में जा इसका विध शुरू कर दें अपने नाम की अदद से करें या सात सौ चार चौलीस मरतबा या मुख्तर का कर विध करें विध करके सर उठाएँ और उठा के हाथ अल्लाह के सामने फैला दें कि अल्लाह ये ालिम है इस जालिम के जुल्म से निजात दे और इस जालिम को कैफरे किरदार तक पहुँचा बस वह आपके आप हाथ भी नीचे नहीं गिरेंगे कि अल्लाह के यहाँ कबूलियत हो जाएगी सुछ। सुछ। बहुत ज़बरदस्त ताकत है बहुत इस तरीके से ये आपको नाफ़ी होता है हजरत ये जो आपने बातें बताई इसमें पहली बात तो जो मुझे समझ आई वो आपने ये फरमाया कि सुबह आंख खुलते ही बिस्तर बोल्कुंग पे बोल्कुंग यानि फजर के वक्त जब आप उठें तो पहले बीस दफ़ा इसको पढ़ें फिर आप वज़ू के लिए जाएं ऐसे ही है ठीक है और और फिर आपने बात की मुस्तकिल मिजाजी हासिल करने का तरीक़ा यानि मुस्तकिल मिजाज लोग जो होते हैं वो कामयाब लोग काम्याव हो जाते हैं तो कामयाबी हासिल करने का तरीक़ा है कि सात सौ चवालीस दफ़ा और दरुद शरीफ व आखिर और इकतालीस रोज ये बात ठीक है ठीक है और फिर ये के, आ, किसी बड़ी पेशी में जाना हो सही बात <laughs> जॉब के लिए हो चाहे मुकदमा हो चाहे कोई ऐसी कोई बड़ी बात हो रिश्ते की बात हो कुछ भी हो सही बात बिल्कुल तो 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 उसमें इसकी तैयारी कर लें और और एक, एक जो बहुत अहम बात आई वो ये कि दुश्मन ऐसे दुश्मन हैं जिनको पता नहीं है कि उन वजह क्या है दुश्मनी की लेकिन रुकावटें डालते हैं दुश्मनी करते हैं और यहाँ पे क्योंकि काले गोरे का बड़ा मसला है तो गोरे लोग आजकल ऐसी दुश्मनियाँ करते हैं हम लोगों से करते हैं तो उसकी रुकावट के लिए इस, इसका इस्तेमाल करें सही बात बहुत अच्छा तो, तो तो ये 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 सारी बड़ी काम की बातें और बड़ी रोज़मर्रा की बातें हैं हम हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए भी। हैं भी। और लोगों के सवाल हैं इसमें बहुत कि जी कामयाबी कैसे हासिल करें जल्दी काम आसान काम आसान नहीं होता अभी मेरे पास सवाल है किसी नहीं का क्योंकि हमारे तर... काम ही आसान नहीं होते सही बात तो आपने जवाब दे दिया अलहमदुल्ला बहुत बहुत शुक्रिया हजरत